यह साल चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले परिवर्तन हमेशा चर्चाओं का केंद्र बनते हैं। बाड़मेर के जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है और अब बाड़मेर की कमान पुराने संघी और लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे दिलीप पालीवाल के हाथ में। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो यह मौका उनको मिला है, इस मौके को वो किस तरीके से व्यतीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। धन्यवाद। ये किस तरीके से मानते हैं, चैलेंज या फिर एक ऐसी चीज जो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके हाथ में ये? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हूँ और हमारे यहाँ जो पद या दायित्व समझा जाता है और पार्टी ने मुझको विश्वास व्यक्ति के खिलाफ अध्यक्ष का जो दायित्व दिया है वो निर्वहन करूँगा। और सबसे बड़ी चुनौती आने वाला विधानसभा चुनाव है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इस के प्रयास में मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिले के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो आज से अभी से ही इस चुनावी समर में सक्रिय रहें और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो लाभार्थी योजना है, जिन जिन योजना से जन जन लाभान्वित हुआ है, उन तक आम जन तक पहुँचाए और वो जब हम पहुँचाएंगे तो निस्संदेह विकास के नाम पर हमारी भारतीय जनता मानेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देकर सातों की सातों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजय स्थिति दिलाएगी। कल्याण साहब, विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी सपने न देखेगी केंद्र या राजस्थान में कम से कम घुमाएंगे। देखिए, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हम जब कहते हैं कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे तो विपक्ष कभी हिंदू तालिबान कहता है, कभी हिंदू पाकिस्तान कहता है, कभी भगवा आतंकवादी कहता है। अभी कल आपने देखा ही होगा राहुल गांधी को बम बम राहुल। अब ये क्या करना चाहता है? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। क्यों? विपक्ष को मालूम है जब से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे द्वारा जो विकास के काम किए गए आम जन तक तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी की जो जयपुर की रैली थी जिसके अंदर संपूर्ण देश भर के प्रदेश भर के लाभार्थियों को बुलाया गया था, जब विपक्ष को लगा कि ये लाभार्थी जा रहा है आम जन तक जो लाभ पहुंचाया उससे जनता लाभान्वित भी हो रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के पूर्ण मूड में है तो विपक्ष आनंद बानंद में ऐसी बातें करता रहता है। सर, कल आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शिव सिंह, वो स्वाभिमान रैली कर रहे हैं, लाखों लोग जुटने के दावे हो रहे हैं और सीधे तौर पे जसवंत सिंह जी जो आपके बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, उनकी जो पुत्र वंश है वो हर जगह मुख्यमंत्री को ही निशाने के लिए, तो आपकी पार्टी के अंदर ही अगर ये सब किया तो सातों की सातों विधानसभा सीटें किसी की को? देखिए, जहाँ तक जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, माननीय जसवंत सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में थे और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जैसे अटल जी, अडवाणी जी और उसके बाद में माननीय जसवंत सिंह जी का नंबर आता था। जसवंत सिंह जी NDA की जब सरकार थी उसमें विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। कुछ मतभेद है, उन मतभेदों को मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो उनको बैठा के सुलझा लेगा। जसवंत सिंह जी भाजपा में ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। लेकिन मानवेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी खुद ये कई बार कह चुकी हैं कि वसुंधरा राजे महारानी की सरकार हटाओ और मानवेंद्र सिंह खुद अपने सोशल साइट के जरिए मैसेज दे चुके हैं कि सत्ता में बैठे लोग गलत फहमी ना फैलाए, स्वाभिमान सभा होकर रहेगी, तो ये आक्रोश तो है जो 2014 में टिकट कटने के साथ पैदा हुआ। देखिए, मैंने कहा ना कुछ मतभेद है राजनीति में, कई बार हम जो पार्टी में काम करते हैं, देखिए आज मुझे ये पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, अब पार्टी 4.5 साल सत्ता में रही, अगर मुझे हमारे यहाँ तो जिम्मेवारी क्या, जिम्मेवारी तो दायित्व है लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता से लेकर जमीनी स्तर तक का कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही है, वो कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है। माननीय जसवंत सिंह जी को किन्हीं कारणवश अगर टिकट नहीं मिली है, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये जो परिवार है इसका कल्चर ही भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, ये किसी सूरत में कांग्रेस के कल्चर में नहीं निभ सकते हैं, ये भाजपा में ही रहेंगे। सर, सुराज गौरव यात्रा जो थी वो भी बाड़मेर में हर जगह गई, शिव में नहीं गई। देखिए, सुराज गौरव राजस्थान जो गौरव यात्रा निकली है ये जब से तय हुआ था उस
उसके अंदर आपने देखा होगा 200 विधानसभा में नहीं, कई विधानसभा छूटी थी, उनमें से एक सी विधानसभा भी छूटी थी जिसको कि बाड़मेर जो मुख्यालय में जो रैली हुई थी उसी के अंदर शिव के कार्यकर्ता भी आए थे। इसको ये अर्थ में न ले कि शिव को इस कारण रखा गया कई विधानसभा, क्योंकि समय कम था, कम समय को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 200 विधानसभा में पहुंचे ये संभव नहीं था, तो इसमें कुछ विधानसभा छूटी थी उसमें एक भी था। कर्नल साहब को भविष्य में आप बीजेपी के साथ पाते हो, क्योंकि कई जगह वो ये बयान दे चुके हैं कि मैं आया था तब काफी ले आया था और जाऊंगा तो बहुत सारे ले जाऊंगा, इस तरह के बयान दे चुके हैं, और आगामी जो चुनाव है अगर उसमें चुनाव लड़ने या टिकट की बात नहीं आती है, आपको क्या लगता है वैसे कर्नल साहब भविष्य में भी आपके साथ रहने वाले हैं? नहीं, कर्नल साहब रहेंगे, क्यों रहेंगे, अब उम्र के इस पड़ाव में अब मैं समझता हूँ अब वो दूसरी पार्टी में क्यों जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान दे रही है और उनको विधानसभा नहीं सर, उन्होंने ये कहा है कि मैं तो मैडम के कारण बैठा हूँ, वसुंधरा जी के कारण बैठा हूँ, बाकी यहाँ रहने का मतलब नहीं, बीजेपी ने मुझे कुछ दिया नहीं। देखो हमारी पार्टी में मैंने कहा ना बुद्धम शरणम गच्छामि, हमारी पार्टी तो ये सुधा विश्वास करती है, चलो हम मैडम ही तो हमारी पार्टी की है भाई, मैडम ने हमारी पार्टी की, हमारी राजस्थान की प्रदेश की मुखिया, प्रदेश की मुख्यमंत्री है, कुछ उनके कारण प्रभावित एक व्यक्ति या सरकार एक व्यक्ति के कारण नहीं, नहीं संगठन भी एक व्यक्ति का काम नहीं करता, सरकार भी एक व्यक्ति के सामंजस्य से ही चलती है, और भारतीय जनता पार्टी में ये सामंजस्य बखूबी है और आगे भी चलेगा और चलता रहेगा। वैसे आप कह चुके हैं लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आप क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पाते हैं, और अब जब आपके पास जिलाध्यक्ष का प्रभार आपके पास है तो जिम्मेदारी के साथ आप क्या कहते हैं कि ये कमियां हम दूर करेंगे, क्योंकि जहां तक हम फील्ड में रहते हैं तो ये बात भी आती है कि जो युवा है आपके वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि उनकी नज़रअंदाजी तो नहीं। ऐसी बात नहीं है, हमारा चुनावी प्रबंधन अभी जो हमारा जो चुनाव का पूरा फोकस है बूथ को मजबूत करना। देखिए कि चुनाव जिस समय चुनाव को हम कहते हैं ये युद्ध है, और ये जो युद्ध लड़ा कहाँ जाता है, ये लड़ा बूथ में जाता है, अगर हमने बूथ जीत लिया चुनाव जीत लिया, आने वाले दिनों में हमारा फोकस पूरा बूथ में रहेगा, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर हम कमजोर है उन बूथों पर कैसे हम मजबूती प्रदान करें, कैसे हम मजबूत हो, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। मैं आपको एक बात विश्वास के साथ कहता हूँ, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने कई विकास की योजनाएं जो आम जन तक पहुंचाई है और उसका निस्संदेह हमें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। मैंने कहा ना विपक्ष, हम विकास की बात करते हैं, विपक्ष हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कभी हिंदू तालिबान कहता है, कभी हिंदू पाकिस्तान कहता है, कभी हिंदू आतंकवाद कहता है, इस तरीके के नारे कांग्रेस दे रही, हम तो नहीं दे रहे हैं, अब ये हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आइए विकास के, आइए डिबेट करिए, एक मंच पे आते हैं, कांग्रेस जी को बुलाओ मैं भी आता हूँ, यहाँ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को बुलाइए और मेरे को मेरी डिबेट कराइए, मैं बताता हूँ हमारी सरकार ने क्या क्या योजनाएं करी, कितनी कितनी योजना। संगठन और कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ता ये कहते हैं कि पिछले चुनाव में संस्थापक सदस्य को जिंदगी भर बीजेपी को कोसने वाले व्यक्ति जो एक महीना पहले आए उनको टिकट देगी, कहीं कार्यकर्ता नजरअंदाज तो नहीं किए जाएंगे इस बार भी, उनका ये कहना था दरअसल। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सातों विधानसभा और लोकसभा की स्थिति क्या रहने वाली? मैंने आपको बताया निस्संदेह हम सातों विधानसभा जीतेंगे और लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। आप जो बात कर रहे हैं वो संगठन जब बड़ा होता है, संगठन जब विशाल रूप लेता है, संगठन जब सर्वव्यापी होता है, सभी जातियों का समावेशी होता है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत होती है। इसमें मैंने आपको बताया 4.5 साल तक मुझे कोई अगर दायित्व नहीं दिया तो मेरे को नाराज नहीं हुआ कि मेरे को नहीं दिया, हम तो कह रहे हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता मृत्यु पर्यंत जीवन पर्यंत करेंगे और पार्टी का काम करेंगे, और कार्यकर्ता की सोच ही यही है, थोड़ी बहुत नाराजगी है और निस्संदेह दूर होगी आने वाले 2 महीने के अंदर, सभी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होगी। बालविंदर सिंह जी के बारे में ये कहा जा रहा है, चर्चा है ये हर जगह से कि कांग्रेस की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं, तो जिलाध्यक्ष का प्रभार चूंकि आपके हाथ में है, अब आपकी बीजेपी के विधायक भी हैं, तो क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि भाई ये जो स्वाभिमान सभा है इससे बीजेपी को नुकसान होगा, उनके आपके जो वोटर हैं वो कहीं किस ले जाएंगे? देखो बालविंदर जी से जहाँ तक चर्चा का विषय है, मैंने आपसे अभी कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, छोटे मुँह बड़ी बात होगी, मैं अगर अपने आप को उस अनुरूप समझूंगा तो निस्संदेह माधवेंद्र जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, अभी भी बात होती रहती है, और उनके विषय को लेकर मैं अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने प्रदेश नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरा अवगत करवाया था, और मेरे को अगर ये लगा
केस में मुझे प्रयास करने थे, मैं निस्संदेह प्रयास करूंगा। कल से रैली है, कांग्रेस की ओर कदम बढ़ रहे हैं, ये चर्चा है, तो आप पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे फिर आनंद सिंह बच्चों? भाई देखो, हम तो कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, उनका जैसे आचरण है, उनका जैसे प्रवृत्ति है, प्रगति है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो पूरी जनसंघ और बीजेपी से मिलती जुलती थी। और हमारा बीजेपी और जनसंघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता दूसरे किसी पार्टी में वैसे ही समावेश हो ही नहीं सकता उसका, उसको वहाँ की कल्चर ही पसंद नहीं आएगी। पर मैं इसलिए आपको दावे के साथ कहूँगा कि मानवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिलीप पालीवाल है और इनको आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने ये सूचित कर दिया है कि अब आपको बाड़मेर जिले की भाजपा की कमान संभालनी है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मानवेंद्र सिंह को रोकने के प्रयास जो चल रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व तक, वो चल ही रहे हैं, वो भी प्रयास करेंगे कि वो अपने एक साथी को अपनी पार्टी से अलग नहीं होने दें। फिलहाल देखना यह है कि कल की स्वाभिमान सभा के बाद बीजेपी का रुख मानवेंद्र सिंह के बारे में क्या रहता है। लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में चर्चा है कि 22 सितंबर को कहीं मानवेंद्र सिंह कांग्रेस का रुख तो नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ दुर्ग सिंह आज